हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे अपनी ज़िंदगी में। तो आज मैं इसमें जो है इमली का सीड ग्रो करने जा रही हूँ, तो आप लोग भी साथ में जुड़े रहिए और देखिए कि कैसे इमली का सीड ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ग्रो बैग तैयार करना होगा। ग्रो बैग के लिए मैंने देखिए पुरानी जो सीमेंट की बोरी होती है ना, वो ले रखी है और उसमें होल कर रखा है। आपको दिख रहा होगा बाहर से जो लकड़ी है वो ना दिख रही होगी। उसके बाद ऊपर से मैंने ये पॉलिथीन लगा दी है कि जब हम पानी डालेंगे तो इसमें जो ड्रेनेज से पानी निकलेगा ना, ड्रेन होगा, वो बाहर फर्श वगैरह पे ना फैले, इसलिए मैंने इस बोरी के ऊपर एक ये पॉलिथीन को कवर कर रखा है। उसके बाद मैंने इसमें कुछ पुरानी, क्योंकि बोरी का जो साइज होता है बहुत होता है और हम लोग को जो मिट्टी मिलना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इतने ज़्यादा प्लांट्स लगाते हैं ना कि रोज़ मिट्टी चाहिए, तो रोज़ मिट्टी कहाँ से आएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो पुरानी लकड़ी या फिर जो कटिंग्स वगैरह प्लांट से निकलती सूखे पत्ते सब कुछ डाल सकते हैं नीचे, उसका इस मतलब बढ़ाने के लिए उसके ऊपर से आप मिट्टी का लेयर डाल दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए पुरानी ये जो लकड़ी पड़ी हुई है ना, ये सारा कुछ हम इसमें फिल कर देंगे। और ये पुराने जो है जो हमारे जो गत्ते वगैरह होते हैं ना, ये अमेजॉन वगैरह से आते हैं, वो सब लोग इनमें डाल के इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि जो बुक्स होती हैं, ये बुक्स हमारी भीग गई थी, अब इसका कोई यूज़ नहीं है, इसमें भी पौधे हम लोग ग्रो कर सकते हैं इस बुक को भी डाल के। ठीक है, और ऊपर से हम लोग जो है ये थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे, ऐसे हम आपको दिखाते हैं। ये जो मिट्टी होती है ना, फिर इसे हम पूरा भर देंगे। ये तो मैं भी सीडलिंग्स लगाऊंगी इसलिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी ली है, बाकी आपको पूरा बोरी में फिल कर देना है। पहले हमें ग्रो बैग तैयार कर लेना होगा, उसके बाद हम इसके सीड्स को लगाएंगे। अब हमें ये जैसे ये देख रहे ना इमली, ये गूदे वाली हमको इमली लेनी है और इसमें से हमें सीड निकाल लेना है। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और भिगा के भी निकाल सकते हैं। ये देखिए ये हमने एक शीट निकाल लिया है। अब इस शीट को पहले तो हम जो है इसको इसका जो है छोटी सी सैपलिंग तैयार करेंगे, उसके बाद हमने जो ग्रो बैग तैयार कर रखा है ना उसमें हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, ये छोटा सा फूड कंटेनर था, इसमें मैंने जो है ड्रेनेज बना लिया है, क्योंकि कोई भी शीट लगने के लिए उसे गलना नहीं ज़रूरी है, उसे जलना है कि पानी रहे भी और पानी ड्रेन भी हो जाए। ये देखिए, तो ऐसे हमने चार पांच होल बना लिए हैं और ये फूड कंटेनर तो सबको मिल जाता है। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी, ये देखिए आप इस तरह का जो है जैसे कि नारियल का छिलका वगैरह भी आप डाल सकते हैं, कुछ सूखी पत्तियाँ भी डाल सकते हैं आप। ये इस तरह की कुछ सूखी पत्तियाँ मैंने निकाल ली हैं और उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे ये मिट्टी डालेंगे। और इसमें थोड़ी सी जो है रेत वगैरह या आपके पास जो भी है तो वो डाल लेंगे। उसके बाद फिर जो है इस शीट को हम इसमें लगाएंगे। और शीट को लगाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि किस एंगल में लगाना है, आप सीधा बेड़ा कैसा भी लगा देंगे, ये शीट बहुत ही हार्डी होता है, तुरंत ये जर्मिनेट हो जाता है और जर्मिनेशन में कम से कम 10 दिन का ये समय लेता है। फिर मैं इसमें पानी डालूँगी, इसमें मैं पानी डाल दूँगी और पानी डालने के बाद इसको अभी हम जो है लगभग 10 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में रख देंगे, नहीं तो फिर शीट जर्मिनेट नहीं होगा, है ना। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, पानी डाल के फिर आपको 10 दिन तक इसको शेडी एरिया में रख देना है, फिर हम देखते हैं कि 10 दिन बाद क्या हुआ। और ये देखिए दोस्तों, 10 दिन के बाद जब हमने सेमी शेड एरिया में इसको रखा, हल्की सी धूप कहीं ना कहीं से आ रही थी इसको 5-10 आधे घंटे की, तो ये देखिए ये हमारा 10 दिन का, मात्र 10 दिन का ये पौधा है और ये देखिए कितना अच्छे से जर्मिनेट हो गया है।
अब इसको जो है हम लोग बड़े गमले में शिफ्ट करेंगे। तो हमने इसके लिए गमला नहीं वेस्ट किया है, मैंने आपको दिखाया था इसके पहले शुरुआत के ही दौर में, जो वीडियो की शुरुआती दौर था उसी में मैंने आपको बता दिया कि मैंने इसके लिए ग्रो बैग तैयार किया है। एक्चुअली क्या है कि मैं इसकी बोनसाई बनाने चाहती हूँ। इसकी बोनसाई बहुत ही कॉस्टली मिलती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो किचन में हमारी जब हम सांभर लोग बनाते हैं ना, तो सांभर के लिए वो लाते हैं इमली, तो इमली मैं लाई थी, वो मैंने थोड़ी सी रख ली थी, वो भूदे वाली इमली थी, उसको फिर मैंने भिगा दिया था, जो उसके शीट्स निकले थे वही मैंने इसमें डाल दिए और ग्रो हो गए। मैंने आपको सारी चीज़ें टू दी पॉइंट बताई हैं। अब हम इसको जो है यहाँ से हटाएंगे, क्योंकि इमली का पेड़ बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए इसको हम यहाँ से हटा के और जो मैंने ग्रो बैग तैयार किया था ना मिट्टी, उसमें इसको हम लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम उखाड़ते हैं, निकालते हैं। ये देखिए इतनी अच्छी जड़ें निकली हैं इसके, मैं एक मिनट दिखाऊंगा आपको। ये जो मैंने उसमें हस्क डाला था ना, ये देखिए ये इतना अच्छे से जड़ को निकाल रहा है कि मैं क्या बताऊं। अब मैं इसको नहीं निकालूंगी क्योंकि निकल नहीं रहा है, फिर हमारा पौधा डैमेज हो जाएगा। मैं ऐसे ही लेके चलती हूँ और इसको जो है ग्रो बैग में लगा दूँगी, और इसको हम लोग ना उसी ग्रो बैग में शिफ्ट कर देंगे। और एक शीट मैं इसमें और डाल दे रही हूँ इस ग्रो बैग में, जिससे कि अगर ये पौधा हमारा ना, मतलब कि शीट ये डालने के बाद अगर इसकी पत्तियाँ लटकती हैं या पौधा मर जाता है, तो इस ग्रो बैग में ये वाला शीट हमारा जर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं दोनों चीज़ें लेके चल रही हूँ, एक मैंने पौधा इसमें प्लांट किया है और दूसरा मैंने इसमें शीट भी डाल दिया है। तो मैं आपको इसकी अपडेट दूंगी कि ये पौधा कितना बड़ा हुआ और कैसे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। अगर हाँ तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अभी मैं इसको अभी बस ऐसे ही मैंने इसको रखा हुआ है आपको वीडियो में बस दिखाने के लिए, उसके बाद अभी मैं इसको सही से शिफ्ट करूँगी, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने के लिए कैमरे को भी होल्ड कर रखा है, इसलिए मैंने अभी इसे मिट्टी नहीं डाली है। मिट्टी मुझे नीचे से लानी है, मैं भी नीचे से मिट्टी ला के इस पूरे ग्रो बैग को भर दूँगी। ये पुरानी बोरी पड़ी थी और पुरानी पॉलिथीन पड़ी थी, उसी में मैंने कुछ बुक्स, कुछ जो गत्ते होते हैं, कुछ लकड़ी के टुकड़े जो सड़ चुके थे, उन्हीं सबको डाल के मैंने इसका जो है, जो बहुत ज़्यादा मिट्टी डालना पड़ता है ना, उस चीज़ को पूरा किया है। उसके बाद मैंने ये इमली का पौधा तैयार किया, वो भी शीट से, मैंने आपको दिखाया कैसे शीट से तैयार किया। एक मैंने शीट इसमें और डाल दिया है, उसके बाद इस पौधे को अब ग्रो हुआ, मतलब ग्रो कैसे हो रहा है, कैसे इसकी बढ़त हो रही, मैं सबको दूंगी अपडेट। ये देखिए इसमें शीट कैसे लगा हुआ, कितना प्यारा लग रहा है। अब इसकी देखते हैं कि ये इस ग्रो बैग में चलता है या सूख जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने एक बार और लगाया था, वो सूखा नहीं है, चल रहा था। मैं आपको इसकी अपडेट जोड़ दूंगी। और एक शीट मैंने और ग्रो किया था, उसको मैंने गमले में लगा रखा है, मैं उसकी अपडेट आपको देती हूँ, चलिए साथ में मेरे। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। ये देखिए जो दूसरा वाला पौधा मैंने दूसरा सीडिस में डाला था, वो कितना प्यारा कैसे हिल रहा है ना हवा से, छोटा सा है लेकिन अपनी जो देखिए पत्तियों को हिला रहा है, क्यों, क्योंकि हवा चल रही है, तो पत्तियाँ हिलती हैं हवा चलने पर, कितना प्यारा लग रहा है बेबी प्लांट ये। तो इसकी ग्रोथ आप लोग देखिए, इसको भी जल्दी मैं रिपोर्ट करूँगी क्योंकि ये इस गमले में लगा है ना, तो इसको भी रिपोर्ट करने का समय आ गया है। ये देखिए और ये देखिए, ये सबसे पहली स्टेज होती है जब हमने शीट डाला था ना, तो ये कुछ इस तरह दिखता है, उसके बाद फिर ये इस तरह इस कंडीशन में आता है ना। शीट्स जो होती हैं वो ऊपर आती हैं, उसमें कुछ पत्तियां निकलती हैं, और जो मैंने अभी थर्ड स्टेज दिखाई थी आपको, थोड़ा सा जब प्लांट बड़ा हो जाता है 15 से 20 दिन का, तो उसको हम लोग कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। शीट्स तो आप किसी भी गमले में ग्रो कर सकते हैं, अगर आपके पास ग्रो बैग पहले से यह पौधा है तो आप उसको डायरेक्ट भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले शीट्स डाले थे। ये देखिए ये अभी नहीं जर्मिनेट हुआ है, और देखिए साथ में डाला था, ये जर्मिनेट नहीं हुआ है, लेकिन ये देखिए ये निकल आया है और इसका सीड आपको दिख रहे होंगे इमली के, है ना। तो मैं एक बार फिर से क्विक आपको बता दूं कि करना क्या है। कुछ नहीं करना है आपको, बस गोदियाली इमली लेनी है और उसके सीड्स निकाल के आपको ऐसे डाल देने हैं। कोई मिट्टी अगर आप पर डाल दे तो बेस्ट है, नहीं है तब भी वो जर्मिनेट हो जाता है,
और शीट्स कुछ दिन में आपको 10 दिन में आपको ऐसे प्लांट्स मिल जाएंगे। और उस प्लांट्स को बड़े गमले या ग्रो बैग में शिफ्ट कर दीजिए। उसकी अगर आपको बोनसाई बनानी है तो उसकी छटाई या प्रूनिंग करते रहिए, जिससे बोनसाई का रूप ले लेगी, और उसकी वायरिंग कर दीजिए बाद में। और अगर आपको पेड़ लगाना है तो आप उसे ग्राउंड में शिफ्ट कर दीजिए, किसी को देना है तो दे भी सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि पेड़ नहीं लगाना चाहिए, इमली का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए, ये सही है, लेकिन क्यों नहीं लगाना चाहिए ये कोई नहीं बताता। इसलिए नहीं लगाना चाहिए क्योंकि पेड़ आम का, इमली का, ये सब पेड़ बहुत बड़ा होता है, क्योंकि फल वाले पेड़ हैं ये, और ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब स्पेस लेते हैं, तो घर में इसलिए लगाने के लिए लोग मना करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी पौधा शुभ अशुभ नहीं होता है, सारे पौधे ऑक्सीजन देते हैं, सब अच्छे होते हैं। हम इसे लगा सकते हैं अपने जो है बोनसाई के रूप में, टेबल पर रख सकते हैं, घर में रख सकते हैं, लेकिन छोटे पौधों को जो गमले में लग सकें उनको छाट के प्रूनिंग करके छोटा बना के रख सकते हैं। बड़े पौधे नहीं लगा सकते हम लोग घर में, लेकिन छोटे पौधे करके लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने बोनसाई खरीदी नहीं है, मैंने घर में इमली जो शीट थी उसी से ग्रो किया पौधा, और ये मैं बना रही हूँ। तो आप लोग देखिए इस पौधे को, और आप लोग भी ग्रो कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप अपने पैसे बचाइए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो लोगों के साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, जिससे लोगों को जानकारी मिले, वो अपने ढेर सारे पैसे बचा सके और अपना टाइम स्पेंड कर सके और दूसरों को नॉलेज भी दे सके। बहुत से लोग डरते हैं कि पता नहीं शीट ग्रो होगा कि नहीं होगा। छोटा सा आप अगर एक कटोरी के बराबर भी कोई जो यूज एंड थ्रो बॉक्स होता है उसमें भी आप इस शीट को ग्रो कर सकते हैं। मैंने आपको दिखाया है कि कैसे मैंने ग्रो किया है, ठीक है। किसी गमले में, अगर आपके पास गमला है, जैसे ये गमला था, इसी में मैंने डाल दिया, शीट ग्रो हो गया। अब इसे आप चाहे तो कहीं भी लगा सकते हैं, है ना। तो ये सारे शीट्स के साथ ये अपनाते हैं हम लोग। और इमली का पौधा जो होता है, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे ये फल नहीं देते हैं, देते हैं तो सूख जाते हैं, छोटे छोटे निकलते हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वहाँ पे इमली का पौधा नहीं होगा। और आपको अगर बीज लगाने हैं तो बहुत ठंडी में भी जर्मिनेट नहीं होते हैं बीज, इसलिए ठंडी में लगाने से बचें। या आप अगर इसको जर्मिनेट करना चाहें तो सितंबर से अक्टूबर तक, या फिर उधर फरवरी से आप इसको जर्मिनेट कर सकते हैं, शीट को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।